स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिले के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हाथ में रिले है। इसकी दोस्तों वायरिंग के बारे में पूरी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा कैसे इसकी जो है वायरिंग करते हैं। तो पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस रिले को हमने चेंज किया था। इसकी जो वायरिंग है, कई बार हमें नई रिले मिल जाती है, उसकी वायरिंग हमें नहीं करनी आती, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहे था जो इसकी आप वायरिंग आसानी से कर सको। तो बहुत ही दोस्तों आसान है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे ताकि जो बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में इस रिले के बारे में मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा आपको वीकली समझाऊंगा कि कैसे इसकी जो वायरिंग है वो कैसे वो डिज़ाइन की गई है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा ताजो अगर इसके अलावा कोई भी रिले आपको मिल जाए तो उसकी भी आप वायरिंग इसी तरीके से चेक करके कर सकते हो, चाहे उसकी पिन कहीं भी लगी हो, जैसे इसकी यहाँ पे पिन लगी हुई है, अगर कहीं और जगह पिन लगी हो तो उसको भी आप चेक करके अपने मल्टीमीटर से तो रिले की वायरिंग जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे कि जो कंप्रेशर होता है उस पर तीन पॉइंट दिए होते हैं हर एक कंप्रेशर पर, उसकी एक कॉमन होती है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रनिंग है वो राइट साइड में है, राइट साइड, और जो स्टार्टिंग है वो लेफ्ट साइड में है, और जिसकी कॉमन है वो टॉप पर है। तो यहाँ पर इसकी जो रिले के पॉइंट हैं आप देख सकते हैं, इसके जो राइट साइड ऐसे रिले हम लगाएंगे तो राइट साइड ये पड़ता है और ये लेफ्ट साइड, ये इस साइड आ जाएगी। तो ये रनिंग है और ये हमारी स्टार्टिंग है। तो रनिंग की वायर हम चेक करेंगे कि रनिंग की जो वायर होती है वो सीधा मेन से आती है, जैसे कि हमारे पास अगर न्यूट्रल फेस हो पीछे से आ रहा है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है, तो फेस हमारा जो सीधा ही रनिंग के अंदर जाएगा और ये स्टार्टिंग के बीच में आएगा। वो इसमें हम चेक करेंगे कि रनिंग वायर इसमें कहाँ पे हम लगाएं, जो पीछे फेस आएगा वो हम कहाँ पे लगाएं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, बहुत ही दोस्तों सिंपल है, ये हमारे पास हमारा मीटर है, तो इसकी हमने इसको कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट कर लिया है। तो किसी भी रिले को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हम इस पे लगाएंगे एक नोब, तो हमने रनिंग पे लगा लिया है जो कंप्रेशर के अंदर जाएगी। इसके बाद हम सारे पॉइंट इसके बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आ रही, इस पे भी नहीं आ रही, और एक हमारा पॉइंट यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर जो हम सेलेक्ट कर ले दोबारा से चेक करेंगे, क्योंकि मल्टीमीटर हमारा दूसरे पॉइंट पे चला गया था। तो यहाँ पे चेक करेंगे, इस पे भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इस पे भी नहीं आ रही है, और इस पे आप देख सकते हैं इस पे बीप की आवाज़ जो आ रही है। तो ऐसे हमें जो पता लग जाएगा इसकी जो मेन वायर है पीछे से जो आएगी वो इस पॉइंट पर लगेगी। इसके साथ दोस्तों ये रिले होती है, इसके साथ इसके ऊपर स्क्रू कसा होता है या साथ में एक पॉइंट भी यहाँ पे दिया होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे जो मेन वायर आ रही है पीछे से लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चेक करना है उसके बाद, इसकी स्टार्टिंग जो ये वाटर कूलर की दोस्तों रिले है, तो वाटर कूलर में एक रनिंग कैपेसिटर लगता है, वो रनिंग कैपेसिटर 10 का हो सकता है, 6 का, 8 का, किसी का भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, कौन से वाले पॉइंट पर हम इस पर जो रनिंग कैपेसिटर है वो लगाएँ। तो रनिंग कैपेसिटर की एक वायर तो हम इसके साथ अटैच कर देंगे यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर इसकी रनिंग वायर एक अटैच कर देंगे, और दूसरी वायर जो है इस पर लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग देने के लिए होता है। तो इस पर हम एक नोब मल्टीमीटर के फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है, और यहाँ पर जो दो पॉइंट हमारे बचे हैं इस पर इस चेक करेंगे, तो इस पॉइंट पर बीप की आवाज़ आ रही है, इस पर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई हो गया है, तो हमारी जो रनिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर की एक वायर हमारी इस पॉइंट पे लगेगी, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर को करंट चाहिए, यहाँ फेस लगेगा तो करंट यहाँ से होकर यहाँ पे हम दूसरी इसकी थिम्बल जो है यहाँ पे लगा देंगे। जैसे उस पर दो थिम्बल होती, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रनिंग कैपेसिटर है, तो एक वायर हम यहाँ पर लगा देंगे, एक वायर इसकी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ऐसे जो रनिंग कैपेसिटर का हमारा जो सर्किट अपना वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है, इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर हम कैसे ढूंढेंगे कि स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली वायर कहाँ पे लगेगी। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल है,
स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए एक वायर जो इस पे जो दोस्तों ये देखिए आप लिखा होता है यहाँ पर, ये इसका टॉप पोजीशन है। जैसे ऐसे ही रिले लगेगी तो अगर इस पे हम चेक करेंगे कि स्टार्टिंग इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वैसे तो ये पॉइंट एक बचा है और एक नीचे पॉइंट ये बचा है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसके दोनों वायर जो है यहाँ पर लगा देंगे स्टार्टिंग की। फिर भी हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो ऐसी पोजीशन में अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी टॉप पोजीशन में इन दोनों पर, तो कंटिन्यूटी हमारी नहीं आ रही है, तो इस रिले को हम उल्टा देंगे। उल्टाने से क्या होता है, जो इसमें जब करंट दिया जाता है उसका जो काम होता है तो वो उल्ट साइड में, ये उसी जैसे इसमें करंट चला गया तो इस समय इसमें समझो करंट चला गया है, मान लीजिए अब इसमें करंट चला गया है, तो इस रिले को हम उन्हें उल्टा के चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों पे कंटिन्यूटी हमारी जो है आ रही है, तो दोस्तों हमारी जो कंटिन्यूटी इन पॉइंट्स में आ रही है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सीधा करते हैं, तो अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोबारा से, फिर तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो अब स्टार्टिंग वायर को हम एक तो पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा पॉइंट आप दोस्तों दे सकते हैं, एक यहाँ पे एक सर्किट दिया होता है, ये दोस्तों जो सर्किट है एक बार इसमें से करंट निकलेगा उसके बाद करंट जाना जो है बंद हो जाता है। तो ऐसे जैसे ही इसमें जो यहाँ ये पॉइंट इसके साथ अटैच है और यहाँ पे इसके साथ अटैच है, तो जो सप्लाई है जो मेन सप्लाई है ये दो एक ही पॉइंट है दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला, इसमें से पॉइंट सप्लाई जाएगी और यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर को चली जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास एक स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑलरेडी पड़ा है, तो यहाँ पर सप्लाई उसके थ्रू आ जाएगी और यहाँ पर स्टार्टिंग करंट देकर यहाँ पर चली जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई है इधर से आएगी, उसके साथ जो है जब इसमें ये रिले वर्क करेगी तो उसके साथ स्टार्टिंग फोर्स भी साथ में जाएगा। तो स्टार्टिंग फोर्स जाने के बाद यहाँ से जो सप्लाई है ये कट जाएगी और जो इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर को करंट मिल रहा है यहाँ से ये मिलना बंद हो जाएगा और रनिंग कैपेसिटर इसमें लगा रह जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर इसमें बंद हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही सिंपली मल्टीमीटर के साथ इसकी वायरिंग चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ कैसे चेक करोगे। रनिंग पे एक लगाएंगे और चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और जैसे कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है तो मेन वायर ये है और स्टार्टिंग इसकी इस पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये है इसकी स्टार्टिंग। जो पॉइंट दोस्तों बच जाते हैं वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल है इसकी वायरिंग करना, तो ऐसे आप इसकी जो वायरिंग है वो कर सकते हैं। किसी भी रिले को आप ऐसे आइडेंटिफाई करें जैसे मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी जो पॉइंट बच जाएंगे, एक तो आपने फेस देना है स्टार्टिंग कैपेसिटर को, दूसरी जो पॉइंट छोड़ा हुआ अलग से उस पर आप उसको लगाकर उसको चलाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप उसके एम्पेयर चेक करें, अगर एम्पेयर बिल्कुल सही ले रहा हो तो आपकी वायरिंग बिल्कुल ओके होती है, अगर एम्पेयर आपके सही नहीं आ रहे हैं तो आपकी वायरिंग जो है गलत है, आप उसको दोबारा आइडेंटिफाई करके चेक करके लगा सकते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।